यूपी के नोएडा के सेक्टर 63 में शुक्रवार सुबह बीच सड़क पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना देकर ट्रैफिक डायवर्ट कराया गया। हालांकि बाद में जांच के दौरान पता चला कि बम जैसी दिखने वाली ये चीज डेटोनेटर या विस्फोटक पदार्थ नहीं थी। पुलिस ने इसे शरारती तत्वों का काम बताया। शरारती तत्वों ने इसे एक घड़ीनुमा वस्तु लगाकर तैयार किया था ताकि ये बम जैसा नजर आए। ये सुबह एक कॉलर ने सूचना दी कि यहाँ पे कोई एक डिवाइस पड़ा हुआ है जो एक्सप्लोजिव की शेप का है। इस सूचना पर तुरंत ही पूरा हमारा जो मैकेनिज्म है सेट ड्रिल के हिसाब से वो हरकत में आया। पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, यहाँ से लोगों को अलग किया गया जनहानि को रोकने के लिए। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं BDS की और कमांडो टीम्स हैं वो तुरंत यहाँ पे रश की। हमारी डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर आई स्नाइफर से और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव प्रथम दृष्टया देखने से नहीं लगा और हमारी BDS टीम ने इसको डिफ्यूज़ कर दिया है और यहाँ से अब इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहे हैं और बाकी यहाँ का ट्रैफिक सामान्य कर दिया गया। सर आप मानते हैं 26 जनवरी को लेकर नोएडा को दहलाने की साजिश थी? नहीं, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, कोई डिटोनेटर नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं।